हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर साइन टी है, तो सबसे पहले हम साइन टी को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। साइन टी इज इक्वल्स टू, हमको साइन ए टी का फॉर्मूला पता है, इधर आएगा 1 ओवर स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये है ए क्या है 1। और अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, पहले टी को सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय टी आ रहा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन बाय टी को सॉल्व करते हैं। टी ऑफ साइन टी और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, हमको पता है क्या करना था, -1 लिख के 1, यहां पर जो एन आएगा और डिफ्रिशिएट कर देना उसको एन टाइम्स, एन वन है तो साइन टी का क्या आएगा, एफ बार एस 1 ओवर स्क्वायर प्लस 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आएगा इसके मुताबिक -1, और ये आ जाएगा डी बाई डी एस स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम -1 -1, स्टेप बाय स्टेप सारा हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू 2s, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा आपस में, तो ये जो -2 है ये नीचे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2s ओवर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक और f बार s आ गया। और हम अब देखेंगे e की बार -3t भी लगा हुआ है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यहां पर लिख लीजिएगा, और यहां पर आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी ई की पावर -3t साइन टी, बस इतने ही लिखेंगे हम। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या करेंगे, एस की जगह पे एस माइनस ए कर देंगे, ए यहां पर कितना है -3, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ s प्लस 3, प्लस 3 हो जाएगा, तो नीचे भी इतना ही आएगा s प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब ये आंसर नहीं आया, हमको ये सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो कुछ और होता है। वो क्या होता है, 0 टू t, वो 0 टू t होता है इंटेग्रल, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल। तो चलिए इसको कैसे देखते हैं। अब मैंने आपको ये वीडियो की स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, वो हम देखने जा रहे हैं एक बार फिर से, वो हम देखेंगे क्या डेफिनेशन क्या कहती है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -st एफ ऑफ टी डी टी, हम पहले ये लिख लेंगे, हम वहां पर ये लिख लेंगे बाई डेफिनेशन। By definition, Laplace of f of t is equals to 0 to infinity e की power -st f of t dt। और हमारे पास f of t, अगर हम इनको देखेंगे तो f of t हमारे पास क्या है, ये वाला, इधर ये वाला, अगर हम कंपेयर करेंगे तो, और इधर लिख देंगे हम Laplace of टी ई की पावर -3t साइन टी, और इधर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -st एफ ऑफ टी, कितना है टी ऑफ ई की पावर -3t साइन टी डी टी। और हमारे पास ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इसके बराबर s प्लस 3 के बराबर ओवर एस प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको और क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग आ रही है, ई ये वाली टर्म मिसिंग आ रही है, और हम इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे। अब इसको हम एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारा आंसर सही बन जाए, मैच कर जाए।
तो देख ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम s को जीरो पुट कर देते हैं, पुट s इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम s को जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वन, और ये टर्म क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी टी ई की पावर -3t साइन टी डी टी, और इसको एस एस को जीरो पुट कर देंगे, दोनों तरफ जीरो पुट करना है, यहां भी और यहां भी एस को जीरो पुट कर देंगे तो क्या आएगा, टू थ्री सिक्स ओवर, इसको जीरो पुट कर दिया, इधर भी स्क्वेयर था, इधर स्क्वेयर नहीं है, बाहर ही है स्क्वेयर, थ्री नहीं, इधर भी स्क्वेयर है, ये देखो ना इधर भी स्क्वेयर है, वो मेरा स्क्वेयर मिस हो गया था, सॉरी, इधर भी स्क्वेयर है और इधर भी स्क्वेयर आ जाएगा, इधर भी स्क्वेयर आ जाएगा, तो क्या होगा, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 1 10, 10 का होल स्क्वेयर 100, ये आ गया 100, ये हमारा आंसर भी है। इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और ये था ये क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेकर, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।